मात्र पितृ गुरु द्वेषी भगिनी भ्रात भेर कृत, जो अपनी बहनों से द्रोह बोल चाल बंद किए बैठे, मैं खोल गए, जो भाइयों से झगड़ा करते हैं, माता पिता से लड़ते हैं, बहनों से झगड़ा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कहा गया ऐसे लोग हजार वर्ष तक माता के गर्भ में मरते रहते हैं, उन्हें धरती पर जन्म नहीं मिलता। इसलिए गलती कभी ना करें। आगे की बात बड़ी मोस्ट बहुत बढ़िया कही है, सुन लो बहनों के लिए। ससरोग्राल पिता नारी नित्यम कलह कारणी सा जलोका चयुका शाद भरतारम भरसते चया। जो स्त्रियां अपने सास ससुर को गाली निकालती हैं, बहुत देती हैं गालियां, मैंने सुनी है, जो स्त्रियां अपने सास ससुर को गालियां निकालती हैं उन्हें जौंक बनना पड़ता है। देखा पानी में होती है जौंक। इन वृद्धों से मत लड़ा करो। बेटियां पंडाल में बैठी हैं, तुम्हें कहना चाहूंगा ससुराल तुम्हें जाना है और ये सीख के जाना, सास ससुर से लड़ना नहीं है। सास ससुर से लड़ने वाली स्त्रियां जौंक बनती, और अपने पति के ऊपर क्रोध करने वाली, पति को गाली निकालने वाली जो स्त्रियां हैं वो जू बनती हैं, जुआ सिर की जुई। वो आप कहोगे ये सब कुछ हमें ही बनेंगे या सास ससुर भी बनेंगे, कुछ उनका भी नंबर आएगा। हमें ये बनेंगे कि पति भी कुछ बनेगा, उसका भी नंबर आने वाला है, सुनते रहिएगा। भगवान नारायण के मुख से निकली हुई कथा है जो सबको बड़ा सावधान करती है। पहले अभी आप सुन लीजिए, खाने को ना मिले, पहनने को चिथड़ा ना मिले, इतने पर भी सास ससुर को कभी गाली गलौज मत करो, बुरा ना लगे। जिन घरों में बहुओं को त्रसित किया जाता है, परेशान किया जाता है, ये कहने में मुझे बड़ा झटका लग रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है कि घर में बहुओं को परेशान करने वाले स्त्री पुरुष आने वाले जन्मों में उनकी आंखों के देखते देखते जवान बच्चे की मृत्यु हो जाती है। भगवान नारायण की बात को झुटला मन देना, खाली दिवाली पर दिए जला दें पूजा करें, नहीं, घर में नारी है उसको त्रसित मत कीजिए, उसकी आंख में आंसू मत आने दीजिए, दुख के आंसू मत आने दीजिए, वो भी किसी का घर छोड़कर तुम्हारे घर की ब्रह्म से बड़ा अभी तक मृत्यु लोक में कोई धर्म ही नहीं बनाया, बताया ही नहीं। सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। एक बार कहूँगा स्वपतिम च व्रत त्यज, सात भामर जिस पति के साथ पड़ी उसको त्याग करके जो नारी पर पुरुष का सेवन करती है वह गीदड़ी चमगादड़ी छिपकली और दो मुख वाली सर्पिणी बनती है, जिसको दोमई बोलते हैं। ये कहा इसलिए गलती न हो जाए, इसलिए अपराध न हो जाए, ध्यान रखना। मैंने बहुत बार बोला है, यदि समझा जाए तो पुरुषों को कहूँगा, तुम्हारी पत्नी से सुंदर स्त्री अभी ब्रह्मा ने दूसरी बनाई नहीं, उसको समझिए, पूरा जीवन निकल जाता है, वो तो तुम उसे एक काम वाली की तरह मानते हो, इसका नाम गृहिणी है, तुम्हारा पूरा घर उसका ऋणी है, इसलिए उसको गृहिणी कहते हैं। भोर में 4 बजे जगती है, रात को 11 बजे सोती है, सबका कम काम करती है, लेकिन परिवार के लोग उसके सम्मान में दो शब्द नहीं बोल सकते। मेरे प्रभु राम को देखिए, वन की यात्रा में प्रभु राम कहते हैं, सीते देखिए तो सही है, वृक्ष कितना भाग्यशाली है, इस बेल की लता के द्वारा कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। सीता माई ने कहा, नहीं नाथ, ये बेल कितनी बड़भागनी है जो वृक्ष के सारे खड़ी है, नहीं तो गिर गई होती। यानी राम कहते हैं, जानकी मेरे संग तुम कष्ट भोग रही हो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं आज तुमसे हरा भरा दिखाई दे रहा हूं। जानकी माता ने कहा, नहीं करुणा निधान, बड़भागनी तो मैं हूं जो आज तुम्हारे बलबूते तुम्हारे भरोसे मैं खड़ी हूं, नहीं तो गिर गई होती। परिवार में जब एक दूसरे को इस तरीके से आदर दिया जाता है, वही तो परिवार फलते फूलते। कथाएं कहानी किस्सा नहीं है, ये कथाएं जिंदगी है, जीवनी। परिवार में एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, आदर करो, कहो आज हमारा घर बहुओं से बेटों से अच्छा लग रहा है, ये मेरी बहनें बेटियां बोलें, कहें कि नहीं हमारे सास ससुर से घर फलता फूलता नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है।
उस घर में बरकतें होती हैं, उस घर में ही तो तरक्की होती है। ऐसे घर में जीना तो स्वर्ग की यात्रा की तरह हो जाता है। पता ही नहीं काय के लिए लड़ते हैं, काय के लिए झगड़ते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, गरुण जो स्त्रियां घर में वृद्धों को परेशान करती हैं, बूढ़ों को परेशान करती हैं, उनकी कोई भी तीर्थ यात्रा काम में नहीं आती, उनका कोई दान पुण्य यज्ञ हवन कुछ भी काम में नहीं आता। और मैंने भी बहुत बार बोला कि हम जैसे लोगों के पाम छू छू के तुम चमड़ी भी निकाल दो तो भी उद्धार नहीं हो पाएगा, जब तक घर में वृद्धों को आदर नहीं मिलेगा, तब तक बूढ़ों को आदर नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, उनको किस चीज की कमी है पहले उसकी पूर्ति कीजिए, जब कुछ बच जाता है तब दान पुण्य कीजिए। पहले उनको संभालिए, वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, उन्हें दवाई की जरूरत है, उन्हें दवाई दो लाकर, उन्हें कुछ कपड़ा लत्ता वस्त्र की जरूरत है उन्हें वह ला के दीजिए। बुढ़ापे में बच्चों जैसी आदत हो जाती है वो तुमसे कहेंगे नहीं, कभी उनका कुछ खाने का मन होता है तो उनको बोलना ना पड़े, और ये आप करते रहे। घर में कोई चीज़ खाने पीने की खरीद कर लेकर के आते हो तो सबसे पहले घर में बुजुर्गों को दो। और ये कभी मत कहना कि बुढ़ापे में इनकी जीभ चटोरी हो गई है, लेकिन जब तुम भी बूढ़े हो गए तब मैं देखने के लिए आऊँगा कि आपकी भी जीभ कितनी चटोरी होती है। वृद्धावस्था में दिल दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है, तो यह उन्हें कभी नहीं बोलिएगा। वो तो एक कप चाय मांगते तो ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट के गिर रहा है। तुम्हारा भाई आ जाए, तुम्हारा पापा आ जाए, बहन का बेटा आ जाए तो रात के 12 बजे परांठे बना देती वो दौड़ के। वैसे किसी ने घर में एक कप चाय के लिए बोल दिया तो ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर 350 पर पहुँच गया है। और ज़्यादातर ऐसे ऐसा ही होता है। फिर आप सपना देखते हैं कि हम ठीक से जी लें तो कभी संभव नहीं हो सकता। मंदिर का भगवान भी हमारा संग तब देता है जब हम धर्म के पथ पर खड़े रहते हैं। कृष्ण हमारे जीवन के रथ में बैठे, उसके लिए हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन के जीवन में धर्म है, युधिष्ठिर कौन है, धर्म है। अर्जुन के जीवन में आत्मबल है, भीम कौन है, आत्मबल है। अर्जुन के जीवन में उदार मन है, नकुल क्या उदार मन, सहदेव क्या है पवित्र बुद्धि, द्रौपदी क्या है दया। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम पार्थ अर्जुन नहीं बन सकते। और जब तक हम अर्जुन नहीं बनेंगे तो जिंदगी की रथ में भगवान श्री द्वारकाधीश आके बैठेंगे कैसे। ये दुर्योधन पांडवों को ही घेरे ऐसा नहीं है, दुर्योधन दुर्गुणों का नाम है और ये दुर्गुण हावी है। कभी कभी इन दुर्गुणों का संग देने वाले अच्छे लोग हो जाते हैं। भीष्म जैसे लोग इन दुर्गुणों का संग देते हैं, भीष्म जैसे लोग। लेकिन अर्जुन बनिए, यदि भीष्म भी दुर्गुणों का संग देगा तो पार्थ का गांडी भीष्म का भी सामना करेगा, द्रोणाचार्य का भी सामना करेगा। कभी अपराधियों का संग देना नहीं है, वो भले ही तुम्हारे कितने भी खासम खास के हों। हम लोगों ने तो यही सिद्धांत लिया इन कथाओं को पढ़ पढ़ कर, इन अन्यायी और अपराधियों का संग देना नहीं है। यदि बेटा भी बिगड़ा है तो उसको दंड दो उसको। यदि धृतराष्ट्र ऐसा करता होता तो आज भी समाज में बहुत लोगों का नाम धृतराष्ट्र होता, लेकिन लोग अपने बच्चे का नाम दुर्योधन और धृतराष्ट्र नहीं रखते, क्योंकि इन लोगों की करतूतें ठीक नहीं। अर्जुन बनिए, लक्ष्य का भेदन कीजिए, ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बड़ी मुश्किल से यह जिंदगी मिली है, कीड़े मकोड़ों की तरह इसको मत निकाल दीजिए। संसार का सुख तो दांत खाज खुजली की तरह, असली सुख जिसे परमानंद कहते हैं, जो आने के बाद मिटता ही नहीं है, उसकी अनुभूति की, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़िए। इन कथाओं में वही तो सुख मिलता है।